नमस्कार। अजीब चीज है राजनीतिक, बड़े बड़े के साथ धोखा हो जाता है और धोखा खाने वालों में बड़े बड़े विद्वान और आईएएस आईपीएस अधिकारी भी होते हैं। इसी चपेट में आ गए हैं श्री बी आर कुंडल, जो जम्मू कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे और अच्छा खासा नाम कमाया था, और इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें एमएलसी भी बनाया, और फिर एमएलसी बनाने के बाद कांग्रेस ने फिर उनसे एक धोखा किया, उन्हें आरएसपुरा पे जो सीट का वादा किया था विधानसभा के चुनाव में पिछले में, उन्हें सीट नहीं दिया। अलबत्ता वो जरूर आजाद उम्मीदवार होकर लड़े। अब वादा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कि जम्मू पुंछ लोकसभा सीट पर उनके कैंडिडेट होंगे श्री बी आर कुंडल, मगर कांग्रेस के साथ समझौता होने से जम्मू डिवीजन की दोनों सीटें छोड़ दी गई हैं कांग्रेस के लिए, और कश्मीर की चार सीटों में आपस में बांट ली गई हैं। ऐसे में श्री कुंडल के साथ जो अन्याय किया गया, ये बहुत बातें प्रमाणित करता है। अलबत्ता कुछ संकेत इस तरह से हैं कि संभवतः शायद बी आर कुंडल जल्दी कर गए, जब उन्हें मालूम था कि यहां पर कांग्रेस अपना दावा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो 20 सीटें हैं उसमें अच्छा खासा प्रभुत्व चार जिलों में कांग्रेस का है, और अगर इस वक्त बी आर कुंडल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होते, कांग्रेस के साथ समझौता था, तो कांग्रेस की साख बहुत गिरनी थी, कांग्रेस का कार्यकर्ता कहां जाता। फिलहाल ये बात तय है कि किसी के साथ भी राजनीतिक दल राजनीतिक नेता कुछ भी कर सकते हैं, और उसी का शिकार हुए हैं बी आर कुंडल। नमस्कार।